जैसा कि हम जानते हैं, डीडीए ने अनऑथराइज कॉलोनीज के रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने फ्लैट या प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाके आपको टाइप करना है अनऑथराइज कॉलोनीज रजिस्ट्रेशन डीडीए। आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अनऑथराइज कॉलोनीज सेल डीडीए। क्लिक करने के बाद ये सबसे पहला होम पेज खुल जाएगा, इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है पीएम उदय एप्लीकेशन पोर्टल। इस पर क्लिक करते के साथ आपके पास ये नया पेज ओपन हो गया। इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास कुछ नीचे चार ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये सबसे पहला प्रोसीजर है एप्लीकेशन को, अपने फ्लैट या प्लॉट की एप्लीकेशन को रजिस्टर करने का। इसके अंदर आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स और प्रॉपर्टी की डिटेल्स को फिल करना है। एप्लीकेंट डिटेल्स के अंदर उसका नाम आएगा जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, उसके बाद उसका एड्रेस आएगा, एप्लीकेंट का एड्रेस जहाँ पे वो अभी रह रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी पे रह रहा है तो सेम एड्रेस आएगा, अगर प्रॉपर्टी पे नहीं रह रहा तो वही एड्रेस आएगा जहाँ पे अभी वो करंटली रह रहा है। आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना है प्रॉपर्टी की डिटेल्स में। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रॉपर्टी किस कॉलोनी में सिचुएटेड है। तो आपको ये बहुत ही ढंग से करना है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी कॉलोनीज के नाम दे रखे हैं। आपको इसमें अंदर स्क्रॉल करके या फिर टाइप करके आप इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक बुराड़ी दिल्ली 94। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर देंगे आपका कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आप चाहें फिर इसको आगे आपको स्क्रॉल करते जाना है, यहाँ पे आपका प्लॉट नंबर आएगा या फिर हाउस नंबर आएगा। अगर आपका पूरा प्लॉट है तो आपका यहाँ पे प्लॉट नंबर आएगा, अगर आपके उस प्लॉट के अंदर एक यूनिट है मीन्स एक फ्लैट है तो हाउस नंबर आएगा। आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया आएगा। जैसे अगर आपका ये फ्लैट या प्लॉट ज्वाइंट, आप इसमें ज्वाइंट ओनर हो, तब भी आपको यहाँ पर कंप्लीट एरिया लिखना है। जैसे कि अगर आपका फ्लैट या प्लॉट का एरिया है 100 स्क्वायर यार्ड और आप इसके अंदर ज्वाइंट ओनर हो, मगर इसके अंदर फिर भी आपको अपना पूरे का पूरा एरिया डिस्क्राइब करना पड़ेगा 100 स्क्वायर यार्ड्स। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिख टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ये वेरिफिकेशन है, इससे पता लगेगा कि आप एक्चुअल यूजर या एक्चुअल एप्लीकेंट हो या नहीं हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वो पासवर्ड को टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन को क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको बैक आना है, पीछे जाना है। अब ये फॉर्म बंद कर दो, उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा और फिर वैसे ही सेंड ओटीपी करना पड़ेगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको वो फॉर्म फिल करना है। इस पेज पे आपको लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, सेंड ओटीपी के ऑप्शन को क्लिक करना होगा, आपके पास एक ओटीपी आ जाएगी, उसको फिल करना है। आपको अपना ये कैप्चा को फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप फॉर्म के अंदर एंटर हो जाओगे।
फॉर्म खुलने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, ड्राफ्ट और ये सबमिट का ऑप्शन। आप क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपनी कॉलोनी की डिटेल्स फिल करनी है सबसे पहले, फिर आपको अपने प्लॉट की डिटेल फिल करनी है। इसके अंदर आपके फ्लोर्स आएंगे, आपने कितने फ्लोर्स उसमें कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा, खसरा नंबर आएगा आपका। उसके बाद आपकी लैंड डिटेल आएगी कि आपकी ये ज़मीन है ये प्राइवेट ओनरशिप के तहत आती है, ग्राम सभा के तहत आती है, या किसी सरकारी ज़मीन पर बनी है, या ये रेलवे बोर्ड की ज़मीन है। तो इस तरीके से आपको देख के फिल करना है कि आपका जो फ्लैट या प्लॉट है वो किस ज़मीन पर बना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि आपके फ्लैट या प्लॉट पे किसी तरीके का कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। यहाँ पर नेम ऑफ कोर्ट आएगा, अगर कोई केस पेंडिंग है उस केस का नंबर आएगा। अगर आप पिटिशनर हैं तो यहाँ पर आपको अपना अपोजिट पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, और अगर आप रिस्पोंडेंट हैं तो तब भी आपको अपनी अपोजिट पार्टी का नाम लिखना होगा। ओनरशिप डिटेल के अंदर आपको अपने नाम डालना है, मतलब जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी है उसका नाम आएगा, उसके पिताजी का नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा। उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स आएंगी, आधार नंबर वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी में आपका कितना शेयर है अब आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको अपने शेयर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपके कोई और ओनरशिप डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऐड मोर ओनरशिप डिटेल पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नीचे इस तरीके का के ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसके अंदर आपको अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अगर आपको इस अपलोड करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप DDA के हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर ये सब अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सर्वे रेफरेंस नंबर आएगा जो कि आपका GIS आपको प्रोवाइड करेगा आपकी प्रॉपर्टी के को सर्वे के बाद। आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर डालने हैं, मतलब ओनर के सिग्नेचर को स्कैन करके डालना है, डिक्लेरेशन को क्लिक करना है, फिर इसको सेव कर देना है ड्राफ्ट के तौर पे। इस तरीके से यहाँ का हमारा काम पूरा हो जाता है। ड्राफ्ट सेव करने के बाद आपको वापस होम पे जाना है, यहाँ पर आपको शो जाएगा, जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ड्राफ्ट शो जाएगा। अगर वो हर तरीके से सही है तो फिर आपको उसे फाइनल सबमिट कर देना है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।